Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel पढ़ो लर्न टुगेदर. उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे. तो आज की वीडियो टारगेट पेपर से रिलेटेड है क्योंकि मैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के टारगेट पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप सेकंड ईयर के फिजिक्स के टारगेट पेपर अभी तक क्यों नहीं अपलोड किया है. मैंने उसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया था अपने पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स तक वो वीडियोस नहीं मिल सकी क्योंकि आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब ही नहीं किया है. ठीक है, तो जाकर उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करो. मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स और उर्दू और कंप्यूटर साइंस के तमाम लेक्चर्स उसके अंदर अपलोड हो रहे हैं ताकि आपको क्या हो सके, एक ही जगह तमाम मटेरियल्स मिल सके. तो चलें आ जाते हैं फिजिक्स के टारगेट पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं. और मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर भी बता दूं ताकि तमाम लोगों तक क्या हो जाए, वो फिजिक्स का टारगेट पेपर मिल जाए. ठीक है, तो चलें आ जाए एक एक करके डिस्कस करेंगे और हर सवाल को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि टारगेट पेपर का सीजन स्टार्ट हो चुका है और आपको हर टारगेट पेपर की जरूरत है और उस चीज़ की आपको क्या है, नीड भी है. तभी मैंने क्या करा कि मैंने एक अदर वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आप क्या कर सको, उस टारगेट पेपर्स की तैयारी कर सको और फिजिक्स में सबसे बेस्ट नंबर लेकर आ सको. क्योंकि आपको मालूम है ना कि फिजिक्स में आपके नंबर्स काफी हद तक ज्यादा मिल सकते हैं अगर आपने न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर लिया और आपने डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से प्रोवाइड मतलब क्या अटेम्प्ट किया तो. ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आपने फिजिक्स में 99 मार्क्स तो लेकर के जरूर आना है. और आपको पता ही होगा कि पिछले दफा जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तकरीबन 90% तो आपके तमाम सवाल उसी टारगेट पेपर से आए थे. चले आज इस वाले को भी देखते हैं कि इससे कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं. क्योंकि सिर्फ आपके लिए मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूं ताकि पढ़ो लर्न टुगेदर के जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैमिलीज हैं, उन तक वो तमाम वीडियोस पहुंच सके. ठीक है, तो चले आ जाते हैं. मेरे पास सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होता है सेकंड ईयर के अंदर वो मेरे पास है. मैं जो एक्सरसाइज लिखने की आदत है तो मैं एक्सरसाइज लिख रहा था. चले, जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास चैप्टर कौन सा है, वो चैप्टर हमारे पास 11 है जिसको हम क्या कहते हैं, हीट का चैप्टर है. और चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सरसाइज है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो तमाम चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा इसके अंदर बताऊँगा. ठीक है, तो चले आ जाते हैं. मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. तो मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग तमाम बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपको कहूंगा कि आपने प्रूफ करना है. ठीक है, क्या चीज़ प्रूफ करना है कि CP-CV इज इक्वल टू R. ठीक है, एक इस वाले को सही से आपने प्रैक्टिस करना है हीट चैप्टर के लिए. उसके बाद आपने इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन, ठीक है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, केल्विन एंड यहाँ पे सही से मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, केल्विन एंड सेल्सियस. ठीक है, सेल्सियस और केल्विन की आपने क्या करना है, आपने इसके इक्विवेलेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 के अंदर, आपने क्या पढ़ना है, बॉयल्स लॉ. ठीक है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ठीक है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ की आपने काफ़ी अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में बन करके आपके पास आ सकता है. और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ना तो दैट्स मीन कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा बराबर है किसके बेटा, 3α के. तो इसकी डेरिवेशन की भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके बोर्ड के पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सके. चले आ जाते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. देखो शॉर्ट सिर्फ 4 बताया मैंने और इससे ज़्यादा मैंने आपको बताया भी नहीं. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, आई थिंक सो मैंने सारे लिखवा दिए. ओके, अब मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं अपने मार्कर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में अच्छा हो. आपने क्या करना है, ड्राइव करना है. ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ड्राइव का क्वेश्चन है. ठीक है, ड्राइव प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी. ठीक है, किसके टर्म से करना है बेटा, डेंसिटी के टर्म से इसको आपने करना है. एंड स्पीड मॉलिक्यूल, और साथ साथ आपके पास क्या होगा, स्पीड मॉलिक्यूल से आपने क्या करना है, प्रेशर के आइडियल गैस को क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, तमाम के जो नोट्स हैं ना ये याद रखना. मैं बोलूँगा आप सर आप सब सिर्फ सवाल बता रहे हैं, इसके जवाब कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे. तो आपके लिए बहुत आसान चीज़ है प्राइवेट ग्रुप. मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है. प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं गैस पेपर,
ठीक है, साथ साथ प्रीलियम पेपर, ठीक है, प्रीलियम पेपर के साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एमसीक्यूज पेपर्स, ठीक है, उसके साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर सब्जेक्ट्स के, ओल्ड बुक और न्यू बुक्स, ठीक है, साथ साथ आप आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है, और साथ साथ ही तमाम चीज़ों के जो आपके पास मटेरियल होंगे उसके सोल्यूशन तो प्रोवाइड किए हुए होंगे, क्योंकि नोट्स के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती है। तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आपके पास सिर्फ 2-3 महीने रह गए तो जल्दी से इस ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि क्या हो सके आपको तमाम चीज़ें मिल सके, तमाम सॉल्यूशन मिल सके, तमाम प्रीलिम पेपर्स मिल सके, और आपके बोर्ड के पेपर्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ एक दफा आपने पेमेंट करना होगा और पूरे साल के लिए फ्री होगा, ठीक है, और उसके बाद एमडी कैट ई कैट की भी तो तैयारी करनी है ना आपने, तो चलो जल्दी से इसको इनरोल हो जाओ, इसमें जल्दी से मैसेज करो, इस नंबर आपके पास शो रहा होगा, उसमें जाकर के कहो कि प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, प्रोसीजर बता दें तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो खैर, तो ये मैं इसको रफ कर देता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं लॉन्ग के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग का जो दूसरा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है बेटा, स्टेट करना है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बताना है, ठीक है, थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, थोड़ी सी राइटिंग का इशू हो रहा होगा, लेकिन खैर आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं डिक्टेट भी आपके साथ साथ कर रहा हूँ, एंड इट्स एप्लीकेशन, साथ साथ आपने क्या बताना है, इसकी एप्लीकेशन भी आपने बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, कार नॉट इंजन, क्या कार नॉट इंजन, सेकंड ईयर का थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है इसका, और इसके साइकिल के बारे में, ठीक है, ये किस तरीके से होता है इसके बारे में आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपके इन चैप्टर से इस टॉपिक्स की तैयारी करोगे ना, तो आपको इसमें से सवालात मिल जाएंगे, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होंगे सर हमें क्या बता दें, मैं एक बार ना उसमें भी देख लेता हूँ कि मेरे स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि क्या हो सके अब बाद में ऐसा इशू ना आए ना कि मैंने वीडियो बना ली और पता ही नहीं चला कि वीडियो में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से देखना है, उसके प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। तो जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आपने देखना है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9, 10 और 11, ठीक है, जबकि मेरे पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको देखने हैं बेटा 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 एंड 11.6, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 को हमने बिल्कुल तफसीली से डिस्कस किया है, तफसील के साथ डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं और चैप्टर नंबर 12 को करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, जस्ट चैप्टर नंबर 12 की हेडिंग ही डालनी है, ठीक है। मेरे पास तो ऑलरेडी तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 12 जो है वो मेरे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इसकी आपके पास कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये रफ कर दिया, इसको भी शायद मुझे रफ कर देना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक सो कि अब इसका तो काम नहीं है ना, मैंने लिख लिया। चलो आ जाते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला काम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एंड रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, ठीक है, बिटवीन किन के दरमियान रिलेशन है ये भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा सवाल था, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस तरह से लिखा हुआ उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी आपने बहुत अच्छे से क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ना कि इन तमाम सवालात ऐसे सवालात हैं जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास आ जाता है सॉल्व करने वाला, लाइक अ प्रूफ क्वेश्चन, न्यूटन्स और मेरे पास क्या आ जाएगा, कूलम्ब्स, ठीक है, न्यूटन्स एंड कूलम्ब्स बराबर होता है किसके बेटा, वॉल्ट अपॉन
मीटर। तो आपने इसको प्रूफ करना है और बताना है कि किस तरह से ये इक्वल होता है, ठीक है। फिर आपने कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक्स को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन तमाम चीज़ों को इसको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ में जो है आपके पास मैं शॉर्ट बोलूंगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा, कूलम्स लॉ होगा, ठीक है। तो आपने इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तमाम शॉर्ट को बहुत 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 दिल लगा के पढ़ना है, ताकि क्या हो सके आपके भी पेपर्स में बहुत 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 अच्छे नंबर आ सके। चलो आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में मेरे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर ही आता है और आपने 10 ईयर में भी देखा होगा तो अक्सर ही आ रहा होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस एंड डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ, ओ शिट मेरे पास यहाँ से ये वो हो गया, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। साथ से मैं लिखते जा रहा हूँ, ओपन किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो ये वाले प्रैक्टिस करनी है, इसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। ये एक लॉन्ग मैंने बताया, सेकंड लॉन्ग इस चैप्टर से बताता हूँ, आपने क्या करना है, गॉसेस लॉ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है आपने उसकी भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये दो लॉन्ग के साथ साथ आपके पास ये तमाम मटेरियल होंगे। अब न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक लगातार आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो, आपको महसूस ना हो कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ और आप बोर हो जाओ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर बोलूँ और आपको हर सवाल के बारे में बताऊं कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, और इसके जो एग्जांपल के हैं, देखो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 12.8, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेना, तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक सो एग्जांपल नंबर 8 नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने अभी देखा कैमरे के अंदर। तो एग्जांपल नंबर क्या होगा बेटा मेरे पास, 12.8, ठीक है। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मैं जैसे यहाँ पे अभी लिखने से थोड़ा सा गुरेज करूंगा, ताकि क्या हो सके आपको नजर आए, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये रब हो जाएगा, शॉर्ट लॉन्ग तमाम क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर अलग आ गया है, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 के भी देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कौन कौन सी आपने तैयारी करना है और कौन कौन सा नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग काम, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। कौन से हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, डिपेंडेंस है, कौन सा है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ओपन टेम्परेचर एंड डायमेंशन, ठीक है, किसके ऊपर आपके पास होगा, अपॉन टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा एंड डायमेंशन, ठीक है। तो आपने ये बताना होगा ये किस तरह से डिपेंड करता है, इसके बारे में डिस्कस करना होगा, ये तमाम सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है और उसके आपने क्या बताना है, उसके काउजेस बताने हैं, ये किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 शॉर्ट है, आपने क्या करना है, पावर ऑफ डिस्पर्जन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर ऑफ डिस्पर्जन जो है ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने सही से तैयारी करनी है, ठीक है। डिस्पर्शन इन रजिस्टर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा, डेरिवेशन, ड्राइव एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने किसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है वो बता देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट किसका करना है, रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे मैं आपके सामने तमाम चीज़ें क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस फॉर, उसके आगे भी थोड़ा सा लिखा है मेरे पास, 3 रेजिस्टर इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4-3 रेजिस्टर इन पैरेलल, किसमें बेटा, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके मैं आपको नहीं बता रहा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन फिलहाल नहीं बन के आता, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का इशू कर रहा है, अगर मैं इस लाइट को इस तरह से कर दूँ तो आई थिंक सो आपको फिर शायद सही नज़र आए, ठीक है, ठीक है।
मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और ही नीचे कर देता हूँ इसको, ताकि क्या हो सके आपको सही से नजर आए। ठीक है, अब सेट है। अब आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है मेरे पास वो कौन कौन से हैं। न्यूमेरिकल्स जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 16 ये बुक के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 है। जबकि एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन है वो भी आप देख लो, न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, 13.7, ठीक है, 13.8, उसके बाद आपके पास 13.2 भी है, 13.4 भी है, उसके बाद 13.7 भी है और 20.5 भी है, ठीक है, 13.5 और 13.7। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करना है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 देखते हैं कि 14 के अंदर हमारे पास कौन से सवालात हैं। मैं एक काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, चैप्टर नंबर 14 के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। तो चले आज चैप्टर नंबर 14 के अंदर कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो स्टेट द फ्राडी लॉ एंड लेंस लॉ विद सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन कंडक्टर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। डिटरमाइन द फोर्स करंट कैरिंग द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिखवाए, लेकिन उसके अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिस्कस इसके अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला सवाल हो गया। उसके लॉन्ग में आपको मैंने तकरीबन 5 सवाल आदमी है, जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये आपने देखना है। डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जेजे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हो गया। एम्पेयर लॉ इन ईएमएफ ऑफ सोलेनोइड एंड टोराइड, ठीक है, टोरोराइड है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है TORIOD, ठीक है। तो इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये भी मोस्ट क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपको ये कहूंगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बेल के आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे चीज़ की आपके लिए नीड भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक करना है। साथ साथ ये भी कहूंगा कमेंट करके बताएं आपको कौन कौन से गैस पेपर और चाहिए, ठीक है। एम्पेयर द लॉ, एम्पेयर लॉ आपने बताना है, एम्पेयर लॉ और सोलेनोइड, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर एंड गिव द वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन, ये वाला सवाल भी क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन द मोशनल ऑफ ईएमएफ, ठीक है, मैथमेटिकल रिजल्ट, ये भी आपने करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से वो बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ आपने क्या करना है, 14.1 एग्जांपल, 14.2 एग्जांपल, 14.6 एग्जांपल, 14.7 का एग्जांपल, 14.8 एग्जांपल एंड 14.9 एग्जांपल, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमने कितना चैप्टर कर लिया, 13 भी डिस्कस कर लिया और मेरे पास 14 भी हो गया और 12 भी हो गया, 11 भी हो गया। चले आ जाए इसका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसके कौन कौन से सवाल आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 आ गया, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर क्या है, डिफाइन द एमीटर एंड वॉलमीटर, एक्सप्लेन हाउ द गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू द एमीटर, ये आपका सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पेपर में अक्सर और बेशतर यही वाला सवाल आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक ही शॉर्ट है, लॉन्ग के, डिस्क्राइब द व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रूव द बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, बहुत अच्छी से तैयारी करनी है, ये भी आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से यही दो सवाल बार बार बनता है, तो आपका सवाल ये बनकर के आ सकता है। चैप्टर नंबर 16, आपके पास 15 से न्यूमेरिकल्स फिलहाल नहीं है, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर नंबर 15 में नहीं है, बल्कि क्या है, शॉर्ट से बल्कि न्यूमेरिकल है, सॉरी न्यूमेरिकल जो है आपके पास वो बता देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल्स यहां लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 15 के अंदर से न्यूमेरिकल्स है आपके पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, जबकि एग्जाम्पल नंबर 15.1 है, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से करना है, इससे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। चैप्टर नंबर 16 में आ सकते हैं, हाउ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने टिक लगाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्किंग ऑफ डायट एंड रेटिफिकेशन विथ इस टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉट इज डोपिंग एंड हाउ इज यूज फॉर रेटिफिकेशन फुल एंड हाफ, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके पास चैप्टर नंबर 16 से कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। चैप्टर नंबर 17 में आते हैं,
पोस्टुलेट द स्पेशल थ्योरी और इसकी इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, पेपर में आएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आएगा, सारे ही आएंगे, लेकिन मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट बताया आपको, ठीक है। प्लांक लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। लॉन्ग में आ जाएगा कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि आपने किसी चीज़ को छोड़ना है, लेकिन ये कहूँगा कि हाँ आपके पेपर में ज़रूर आएगा। चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है छोटी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 13, 17, 18 और 19, जबकि एग्जाम्पल जो है आपके पास वो कौन सा है वो बता देता हूँ। 17.1, 17.7, 17.10, 17.18, ठीक है, 17.18, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आ जाए उसके आप आखिरी के 3 चैप्टर से, हमारे चैप्टर नंबर 18 आ गया, उसके शॉर्ट देख लेते हैं। तो 18 के अंदर द वेव लेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यह सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लेजर एंड डिस्कस द मैटर स्टेबल एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द लास्टिंग मटेरियल, ठीक है। इसको ही आपने प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग के अंदर आपके पास आ जाएगा बोहर एटॉमिक थ्योरी और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 18 के अंदर। तो इसके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 और 18.2, 18.3, 18.4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, चैप्टर नंबर 19 में आ जाते हैं। तो डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, स्टेट द लॉ ऑफ डीके एंड गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द डीके एंड कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। लॉन्ग के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव डीके के शुरू शुरू में ज्यादा सवाल आते हैं, देखो आखिरी आखिरी में कम सवाल आते हो गए, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास क्या है, एक मेन मैंने यहां पे शायद सही है 2, 3 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, जबकि एग्जांपल के जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, 19.4 और 19.6 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नुमाइका से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 20 के अंदर 2 ही टॉपिक्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में अक्सर आता है, वो क्या है आपके पास गीगर काउंटर है और वेल्सन क्लॉड चैम्बर है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, तमाम चैप्टर्स के बारे में बताया है, उसके नुमाइकल्स के बारे में बताया, उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया है, क्योंकि पेपर से अब आपका टाइम काफ़ी कम रह चुका है, तो तैयारी करो, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपना ख्याल रखना, अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।